मराठों की जिस धरती ने कभी दुनिया को अपने पराक्रम, बुद्धिमानी, बहादुरी और निडरता का परिचय दिया था, आज उसी धरती पर कुछ ऐसा हो रहा है कि 135 करोड़ जनता न सिर्फ हैरान है, अवाक है, बल्कि देखकर आहत और दुखी भी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन कुमार सिंह, आप देख रहे हैं तिरछी नगर और हमारे चैनल का नाम है बिहार स्टोरी मीडिया। आपने गीत सुना होगा, बचपन से सुनता आ रहा हूं और शायद हिंदुस्तान का हर बच्चा ये गीत सुनकर बड़ा हुआ है। मैं इसे सुनाता हूं। देखो मुल्क मराठों का ये यहां शिवाजी डोला था, मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे तोला था। हर पर्वत पे आग लगी थी, हर पत्थर एक शोला था, बोली हर हर महादेव की बच्चा बच्चा बोला था। शेर शिवाजी ने रखी थी लाज हमारे शान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। जवाब दीजिए महाराष्ट्र सरकार, जिस मिट्टी की तिलक लगाने का गीत हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, क्या आपकी कायरता ने उसी मिट्टी को कलंकित नहीं किया? देश की आवाम आज पूछ रही है महाराष्ट्र सरकार से, उद्धव ठाकरे से, कि आपने एक आईपीएस को 14 दिन तक जबरन बंदी बनाकर किस बहादुरी, किस पराक्रम का परिचय दिया है? आपके इस कायरता भरे कृत्य पर स्वर्ग में बैठे उन मराठों को भी हैरानी होती होगी कि जिस धरती की शौर्य गाथा दुनिया भर में गाई जाती है, वहां ये आज क्या क्या हो रहा है? जवाब दीजिए, बिहार पुलिस के साथ ये अत्याचार क्यों, ऐसी कायराना हरकत क्यों है? वो तो आप ही के साथ ही है, जिस खाकी की कसम खाकर आपकी पुलिस अपने कर्तव्य पथ पर चल रही है, वो भी उसी खाकी के नुमाइंदा हैं, और जो आपको मदद करने गए थे, आपका हाथ बटाने गए थे, पर आपने तो उनके हाथ पर बांधकर क्वारंटीन के बहाने हाउस अरेस्ट कर लिया। आपकी इस मर्दानगी पर कोई आपको बहादुर और निडर नहीं कह सकता है साहब। और जिस बिहार पुलिस को बेचारा बनाकर उसके काम को सुनियोजित तरीके से रोकने का प्रयास किया जा रहा है, उसे कमजोर समझने की गलतफहमी महाराष्ट्र सरकार को भारी पड़ सकती है, क्योंकि लक्ष्मण रेखा के दास तटों तक जाकर फिर जाते हैं, वर्जित समुद्र में नाव लिए स्वाधीन वीर ही जाते हैं। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी ने ट्वीट किया था कि हम थके भी नहीं हैं और झुक भी नहीं सकते, बगैर सजाए गुनाह के रुक भी नहीं सकते, जुल्मी को सजाए हवस ना मिले जब तक, जिद है मंजिल से अब हम चूक नहीं सकते। बिहार पुलिस के इरादे साफ हैं, और अब तक की सबसे बड़ी खबर ये रही है कि अब बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत से संबंधित केस का अनुसंधान सीबीआई से कराने की अनुशंसा भारत सरकार को भेज दी है। देर से जागा पर शेर जागा, हमारे लाखों व्यूअर्स और सब्सक्राइबर की तरफ से तथा बिहार स्टोरी के टीम की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इस अनुशंसा के लिए बहुत बहुत आभार, और पूरी टीम इस फैसले का दिल से स्वागत करती है। 45 दिन के सन्नाटे के बाद आज सुशांत सिंह चारों तरफ उन्हीं की गूंज सुनाई दे रही है। अब इंतजार है बड़े सरकार की, हो सकता है कल अयोध्या में भूमि पूजन के बाद जब वो लौटेंगे तो अचानक एक दो दिन में कोई बहुत बड़ा फैसला आ सकता है। हम अपने देश के राजा प्रधानमंत्री मोदी जी से भी आग्रह करते हैं, मोदी जी कल अयोध्या नगरी पहुंचेंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जन्मभूमि पर हमारे प्रधानमंत्री उसी राम की धरती पर होंगे, जिस धरती ने हमेशा न्याय और सत्य का साथ दिया, जहां समाज के हर वर्ग और व्यक्ति के साथ न्याय हुआ था। नीतीश कुमार के अनुशंसा के बाद इस वक्त पूरे देश की निगाहें मोदी और अमित शाह की तरफ है। आशा है अब कार्यक्रम के बाद बहुत जल्द कोई बड़ा फैसला आ सकता है। अनुशंसा पर केंद्रीय गृह मंत्रालय संज्ञान ले, इस पूरे मामले को देखने परखने के बाद प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि वो भी कोई फैसला ले। दोस्तों, न्याय की लड़ाई लंबी चलती ही है, और अब तक के इतिहास में आत्महत्या का कोई भी केस इतना लंबा नहीं खींचा, और अगर लंबा हो रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ तो होना बाकी है, प्रभु श्री राम की कुछ इच्छा बाकी है। देखिए, एक वक्त ऐसा था 14 जून के बाद 6 दिन मीडिया में छाए रहे सुशांत सिंह, फिर 1.5 महीने तक कहीं कोई मेन स्ट्रीम मीडिया में, पेपर में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में उनका नाम तक नहीं आया, और फिर 45 दिन के बाद आज फिर सुशांत सिंह देश के हर इंसान के जबान पे है, उनके करोड़ों फैंस के जबान पे है, आज मेन स्ट्रीम मीडिया में आज उन्हीं के चर्चे हैं। दोस्तों, इस केस में कितने चेंजेस आ रहे हैं, आप भी मेन स्ट्रीम मीडिया में इस चीज़ को देख रहे होंगे।
प्याज की परत की तरह रोज नए परत खुलते हैं। कहां से कहां आ गया ये केस, जो कि आज तक कभी ऐसा देखा नहीं गया है। दोस्तों ये मान लीजिए कि इस केस में बहुत पेच है, और कहा भी जाता है कि मुंबई की फिल्मी दुनिया का राजनीति और अपराध से पुराना नाता रहा है। कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार के रवैये से इस बात में कुछ सच्चाई नजर भी आ रही है, और अगर ऐसा हुआ तो ठाकरे परिवार के लिए बहुत बड़ा संकट साबित हो सकता है। बहरहाल इस विषय पर बिना सबूत के कुछ भी कहना मुश्किल है। बने रहिएगा हमारे साथ। दोस्तों आपका क्या कहना है, आपका राय बहुत ज़रूरी है। देखिए सुशांत सिंह की स्टोरी जब से बिहार स्टोरी पर आई है, तकरीबन 1 करोड़ लोगों ने उस वीडियोस को देखा है, उस पर हजारों कमेंट्स हैं, और आपकी राय बहुत ज़रूरी है। आपके कमेंट बहुत मायने रखते हैं। सुशांत से जुड़ी हर बातों को सोशल मीडिया पर जितना ज़्यादा हो सके उसे शेयर कीजिए, ताकि सरकार पर दबाव बने और CBI से जांच की जो अनुशंसा की गई है सरकार उस पर कोई फैसला ले सके। बहरहाल हम मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।